ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कलर ग्रेडिंग। एंड गाइस, जो कि आप सभी को पता है कि इंस्टाग्राम पे कलर ग्रेडिंग जो है, अगर आप वीडियो बनाते हो और अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें कलर ग्रेडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप लोग एक बार ये वाला प्रीव्यू चेक करो। इस प्रीव्यू को देखने के बाद आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि गाइस हमारी जो वीडियो होती है उसमें गाइस कलर ग्रेडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही सिखाने वाला हूँ। एंड गाइस, आप लोगों की मैं एक चीज जो मतलब आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि भाई हमारे पास तो इतना महंगा फोन नहीं है, हमारे पास आईफोन तो है नहीं, हमारे पास कैमरा तो है नहीं, तो हम लोग ऐसी वीडियो कैसे शूट करेंगे जिसमें कलर ग्रेडिंग अच्छे से हो पाएगी। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे गाइस आप लोगों के पास जरूरी नहीं है कि आपके पास कैमरा हो या आईफोन हो, आप लोगों के पास एंड्रॉइड का अगर कोई सा भी फोन है तो बस आप लोगों को वहाँ पे वीडियो को उससे शूट कर लेना है। एंड बाकी जो एडिटिंग का प्रोसेस है गाइस वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है। बस आप लोग जो भी मैं स्टेप बताऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। बाकी गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊंगा और बाकी जो भी होगा आपको जो भी जिसके भी अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको तो आप नीचे कमेंट कर देना या फिर आप इंस्टा पे मेरे को डायरेक्ट शेयर कर देने वाली रील आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो बाकी चले गए, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो इस वाली वीडियो को हम एडिट करेंगे वो करेंगे गाइस कोलोरो ऐप में, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो कोलोरो ऐप है वो गाइस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो गाइस, ये वाली वीडियो को स्पॉन्सर्ड नहीं है तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं इतनी बड़ाई क्यों कर रहा हूँ इस ऐप की, क्योंकि गाइस पर्सनली मैंने यूज़ करा है तो गाइस मेरे को ये ऐप बहुत अच्छा लगा है। तो गाइस, आप लोगों को इसलिए मैंने ये वाला ऐप जो सजेस्ट किया एडिट करने के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, जो भी वीडियो आप एडिट करना चाहते हो। फिर उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे करना क्या है गाइस, आप लोगों को बीच में एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जाना है एचएसएल में। एचएसएल में जाने के बाद गाइस यहाँ पे गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो गाइस हमारा ग्रीन कलर है इसका ह्यू हम यहाँ पे पहले सबसे पहले कम कर देंगे। एंड उसके बाद जो येलो कलर है इसका भी ह्यू हम यहाँ पे कम करेंगे। एंड सैचुरेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे जो है इंक्रीज कर देंगे। एंड जो ल्यूमिनस है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस। एंड सैचुरेशन में थोड़ा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे सैचुरेशन मुझे ज़्यादा सा लग रहा है। तो यहाँ पे गाइस इतना जाने के बाद आपको ब्लू कलर लेना है गाइस, देखिए ऊपर हमारा स्काई जो है मैं स्काई को बिल्कुल एकदम सियान टोन में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे ह्यू को बिल्कुल माइनस करके सैचुरेशन को माइनस कर दूंगा। एंड यहाँ पे जो ल्यूमिनस है इसको भी थोड़ा सा माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद चलेंगे यहाँ पे हम स्काई ब्लू में, ठीक है। स्काई ब्लू में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो ल्यूमिनस है इसको हम डाउन कर देंगे थोड़ा और। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका सैचुरेशन इसको भी थोड़ा सा डाउन कर देंगे। एंड गाइस उसके बाद हमारा स्काई देख सकते हो अब कैसा लगा है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका जो है एक्सपोजर एंड ब्राइटनेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोजर आप चाहो तो नहीं भी बढ़ाओगे तो भी चलेगा गाइस, क्योंकि ब्राइटनेस ही संभाल लेगा यहाँ पे। तो अभी मैं ब्राइटनेस को रहने देता हूँ, ठीक है। अब ऑरेंज कलर लेना है, ऑरेंज कलर गाइस आपके फेस एंड आपकी बॉडी को यहाँ पे जो है ब्राइट करेगा। तो यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा देते हैं एंड सैचुरेशन हल्का सा कम कर देते हैं। फिर उसके बाद एक बार आपको वीडियो को जो है यहाँ पे करना है क्या है, एक बार एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद अभी जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आपको इसी वीडियो को दोबारा से ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से इसी वीडियो को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे बैक चलेंगे और यहाँ से गाइस बैक जाने के बाद जो वीडियो हमने अभी एक्सपोर्ट करी उसी को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे दोबारा। एंड दोबारा से गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्ट में जाएंगे एंड उसको एचएसएल में जाएंगे। एंड सबसे पहले गाइस यहाँ पे ग्रीन कलर लेंगे एंड इसका ह्यू माइनस करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो है इसका सैचुरेशन इसको हम हल्का सा यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ल्यूमिनस भी थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारा ग्रीन कलर थोड़ा सा वो डार्क हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ से येलो कलर एंड इसका ह्यू जो है इसको भी माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे इसका ह्यू भी थोड़ा माइनस नहीं प्लस की तरफ रखते हैं ताकि थोड़ा सा येलो एंड थोड़ा ग्रीन टोन बना रहा है इसमें, ठीक है। एंड इसका सैचुरेशन भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अब गाइस लेते हैं ब्लू कलर हमारा फाइनल वाला, तो उसके बाद हम इसका ह्यू बढ़ा देंगे एंड उसके बाद जो इसका सैचुरेशन इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि जो ब्लू कलर में थोड़ी सी ब्राइटनेस आ दे। अब गाइस देखिए यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको मैं जो है वीडियो को दिखाता हूँ एक बार प्ले करके हमारी वीडियो कैसी बनी एकदम एंड तक। तो आप देख सकते हैं एक ही मतलब हमने एक ही जगह पे इसको कलर ग्रेड किया था, पूरी वीडियो में अच्छे से मतलब कि यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपने फाइनल रिजल्ट देख लिया गाइस हमारी वीडियो का। तो चलिए मैं एक बार आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि कैसी है वीडियो हमारी। G H I love you still and you know